अरे हुआ भाई, और ये इरफान भाई का क्वालिटी देखो, मजा आ गया, मजा बहुत ही जोरदार मजा आ गया। और ये और इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए गजब। दोस्तों अभी देख सकते हैं हमने खाना वाना खा लिया है और पूरे रेडी हो चुके हैं, अभी साथ में घर पे लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हैं इरफान भाई। तो एक बार चेक करवा दीजिए कितनी है। तो इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा कि इनके पास 8 माची से एक साथ निकली थी, तो आज देख लेते हैं कितनी है। अच्छा, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर हमारे गांव में बहुत ही बेहतरीन बारिश हुई है, आप देख सकते हैं, और मौसम भी बहुत ही शानदार बना हुआ है। अभी भी लगातार पिछले 3 दिन से लगातार इसी तरीके से बारिश हो रही है। और अभी चलते हैं गांव की तरफ, मौसम बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत मौसम। एक बार आपको मैं पूरा मौसम का नज़ारा है वो दिखा देता हूँ, देखिए एक बार आप। तो अभी चलते हैं आगे मेडिकल में और फिर कुछ काम है वो करते हैं, उसके बाद में आपको जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। ये देखिए आज बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो चुका है यहाँ पर। और ये है अपने शौकत बाबू जी, अभी एक बार फिर से इनके पास चेक कर लेते हैं। आज माचिस है क्या है, 100 से ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पर बीड़ी पी रहे हैं और अभी बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा माचिस है। तो एक बार चेक करवा दीजिए कितनी है, है? हाँ। तो इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा कि इनके पास 8 माचिस एक साथ निकली थी, तो आज देख लेते हैं कितनी है। अच्छा अच्छा, आज तो कवर कर रखी है बारिश की वजह से थैली में। 4 हो गई जी, ये हो गई 4, ठीक है। इसमें तो माचिस नहीं है, बीड़ी का बंडल है ये तो खाली। हाँ। माचिस नहीं है इसमें, नहीं नहीं। कितनी है क्या आज? तो बोलो मैं तो देखिए देखिए, 4 माचिस है आज, तो बिल्कुल 100 से ज्यादा माचिस तो इनके पास हमेशा रहती है। तो क्या नाचोगे? जनता माफ नहीं करेगी। और ये अपना मेडिकल स्टोर है, तो अभी मेरे को कुछ काम था मेडिकल से वो करके और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। बारिश की वजह से अपने घर के जो पौधे हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं बारिश के मौसम में। और ये अदनान है, स्कूल से आया अभी जस्ट ही, और घर देख सकते हैं आप, मौसम बहुत ही खूबसूरत शानदार बना हुआ है। तो दोस्तों अभी घर पे रेस्ट करते हैं और उसके बाद में आपको शाम को जो बाहर का नज़ारा है वो दिखाएंगे। और आज कुछ पार्टी करने का भी प्रोग्राम है, तो देखते हैं अगर वो बनता है तो फिर वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो प्रोग्राम है वो पार्टी करने का है, और अभी पार्टी करने के लिए हम आ चुके हैं। हम आए हैं यहाँ पर फारूक बिल्डिंग वर्कशॉप पे, बबलू इरफान और मैं आ चुके हैं, इसके अलावा सद्दाम और मोहसिन एमपी जो कि मुकरनगढ़ गए हुए हैं सामान लेने, और बाकी मोहसिन एक दूसरा है, मोहसिन पड़ोसी, वो भी हमारे पास आ जाएगा। फारूक भाई यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी कुहाड़ी लेके या काटने का विचार कर रखा है इन्होंने कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये देखिए यहाँ पर अभी पार्टी करते हैं, और यहाँ पर अभी इरफान भाई है वो शुरुआत करेंगे एक एक करके चीजें। अभी तक हमारे पास जो सामान है वो कुछ भी नहीं आया, तो पहले सामान है वो लेके आना पड़ेगा घर जाके वापस। ये देखिए यहाँ पर हम आज बारिश की वजह से जो लकड़ियाँ हैं वो भी गीली हो चुकी, तो ये भी लेके आए हैं अलग से। तो ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, तब तक मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, मौसम का नज़ारा। बहुत ही शानदार खूबसूरत मौसम है वो आज बना हुआ है, उसकी वजह से आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और इसी मौसम की वजह से आज की जो पार्टी का माहौल बना है, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा होता है तो पार्टी का जो माहौल है वो बन ही जाता है। यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये अपने आरिफ भाई साहब के हैं, और इसके अलावा एक और घर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है अपने लियाकत बाबू जी के, और ये है एमपीएस स्कूल, और ये देखिए लकड़ियों को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी देर प्रयास करने के बाद में हम सफल हुए हैं एक काम करने में, ये देखिए चूल्हा तो हो गया, अभी की दिक्कत नहीं। ये चूल्हा तो बन चुका है अभी, और अच्छा जी ओके तो ये चूल्हा तैयार हो चुका है। वक्त क्या हो गया? वक्त सर 6:20 हो गए, 6:20 हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास, पूरा सामान है वो बाकी पड़ा है, सामान का हम इंतजार कर रहे हैं, सद्दाम और मोहसिन लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे, और बारिश की वजह से पूरा जो मामला है वो उक चुक हो चुका है, उसकी वजह से जो हमारा जो सामान था वो भी अभी तक आया नहीं है, और अभी शुरुआत करेंगे। लगभग 7:30 हो चुके हैं, अब अपना जो खाना है वो बनना शुरू होगा, उसके बाद में आगे की जो एक्टिविटी रहती है वो आपको दिखाते हैं।
तो ये अभी अपने मेडिकल से पानी का जो केन है वो आ चुका है, वाटर कूलर, ये आप देख सकते हैं, इसको अभी यहाँ पर रख देंगे। तो पानी की जो भी व्यवस्था है वो ये पूरी करेंगे। इसके अलावा डिस्पोजल की व्यवस्था अपने पास नहीं है शायद, मैं जहाँ तक समझता हूँ डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं। ओके ओके, अपने से निकलता है। तो अभी आग जलाने के लिए हमें कुछ प्रयास कर रहे हैं, और ये डीजल की बोतल मिली है फारूक भाई के पास यहाँ पर, तो अभी इसको जलाएंगे इससे। और ये आ गए हैं सद्दाम भाई भी और बबलू साथ में आए हैं। लकड़ी लाओ, लकड़ी। तो ये देखिए अभी तैयारी चल रही है। ओके, और यहाँ पर अभी इरफान भाई हैं, वो डीजल डालेंगे पहले। ये देखिए, ये देखिए, तो डीजल डीजल का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। नहीं वो कहे बोलो डीजल में तो पेट्रोल में तो दफड़ बहुत हो जाए, हम थोड़ी धीरे पकड़े। तो आज का जो प्रोग्राम है काफ़ी लेट होने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू ही बहुत लेट हुआ है, तो अभी भी लेट होने हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं अभी तक। और ये देखिए डीजल है बिल्कुल का, अरे और है तो डीजल ही है, पानी पूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पकड़ रहा है, पकड़ रहा है, पकड़ रहा है। तो अभी ये हम सक्सेस हो चुके हैं आग लगाने में। अब आगे का जो काम है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक्टिविटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे छोटी मोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्याज काटेंगे, और प्याज काटने के लिए जो पोजीशन है वो हमने ले लिया हेलमेट लगा के। ये देखिए, तो लेट तो काफ़ी हो चुके थे, लेकिन अभी जो युद्ध स्तर पर तैयारियाँ हैं वो जारी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो काटी जा रही हैं, और इरफान भाई भी भयंकर तरीके से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। और अभी बहुत जल्दी इसको बना के हमें तैयार करना है, ताकि भूख है वो हमारी वो सेट हो जाए। और वहाँ पर बबलू है वो आप देख सकते हैं लहसुन को उसको तोड़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितनी देर में अपना जो काम है वो पूरा रेडी हो जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों पूरी 9 हो चुके हैं, और अभी तक हमारे जो प्याज है वो इसमें सिक रहे हैं। और यहाँ पर इरफान भाई ने ये जो काजू वगैरह है ये देख सकते हैं आप, काजू और क्या साथ में, क्या इरफान प्याज है क्या? मिनकेदा। अच्छा मिनकेदा, काजू और मिनकेदा को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और अभी ये प्याज फ्राई चल रहे हैं, और उधर जो एक दूसरा चूल्हा लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप अंदर, इसमें जो अपना मटन है वो तैयार हो रहा है, तो बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। अभी कितना टाइम लगेगा इरफान भाई? एक घंटा। अब 1 घंटा लगेगा, यानी 9:45 हो जाएंगे, यानी काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दम वगैरह लगा दिया इरफान भाई ने, मैं बीच में कहीं चला गया था उसकी वजह से जो सारी चीज़ है वो आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मोटा मोटी तौर पे इसमें चावल है, मटन है, और वो जो फ्राई कर रहे थे काजू के दाम बादाम वगैरह जो भी थे वो है। और बाकी मामला यहाँ पर कचुमर बन रहा है, बबलू यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कचुमर, बहुत ही शानदार कचुमर अभी तैयार होने वाला है। इसमें पड़ेंगे क्या क्या पड़ेंगे बबलू भाई? भाई टमाटर है, प्याज है, जीरो है, दही है, हरी मिर्च है, और क्या है, और पुदीना है, जी, जीरा है, नमक है, और चीनी है। जी, ये सारे मामले इसमें अभी डलेंगे, उसके बाद में क्या यहाँ पर बेहतरीन टेस्ट रहने वाला है। तो आज की जो पार्टी है वो तो सफल हो गई इरफान भाई की तरफ से, बहुत ही शानदार पसीना देख सकते हैं इरफान भाई के कैसे पसीना आ रहा है भाई। मौसम बहुत तगड़ी चीज़ बनेगी, बहुत क्वालिटी चीज़ बनेगी। हाँ तो नमक भी बाकी है, तो ये अपना कचुमर रेडी है, और इसमें अभी आएगा नमक, उसके बाद में आएगी चीनी। तो इस जो कचुमर है इसके जो कुक हैं वो हैं अपने बबलू भाई, और इसमें जो हेल्प है वो कर रहे हैं मोहसिन भाई। ये देखिए पानी लेके पानी डाल रहे हैं भाई, बार बार पानी डाला है इन्होंने, जब भी कभी इतिहास लिखा जाए तो इनका भी योगदान लिखा जाए। तो दोस्तों अपनी जो पुलाव है वो बन के रेडी है, और यहाँ पर उतार लिया है अभी इसको। तो अभी मोहसिन भाई आ रहे हैं पेप्सी वगैरह लेके, और फिर खाना पीना चालू करेंगे। तो दोस्तों अपने पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये अपना कचुमर हो गया, और अभी तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, और बहुत जल्द इसको ख़त्म करते हैं। अभी यहाँ पर एक टोपिया पड़ा है ये पूरा, तो ये पूरा पतीला हमें ख़त्म करना है, आप देख सकते हैं। ये देखो क्वालिटी, देखो गोश्त की, मटन की क्वालिटी देखो, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। इरफान भाई क्वालिटी देखो, मज़ा आ गया, मज़ा बहुत ही ज़ोरदार मज़ा आ गया। और ये देखो अपना, और ये अपना है, और इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए गजब गजब की क्वालिटी भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हमने खाना वाना खा लिया है, और पूरे रेडी हो चुके हैं, अभी साथ में घर पे लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हैं इरफान भाई।
ये देखिए आप, और मैं और बबलू भी है साथ में। तो अभी लगभग खाना पीना है वो प्रोग्राम पूरा हो चुका है, तो आज के इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब बाकी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।